नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स के एंटी डोपिंग एक्ट के बारे में। इस एंटी डोपिंग एक्ट का नाम है रोडचेंकोव एक्ट, रशियन नाम है रोडचेंकोव। हम लोग यहां पे देखेंगे कि क्यों ऐसा नाम दिया है इस यूएस के एक्ट को रशियन आदमी के नाम के ऊपर, और क्यों ये एक्ट कॉन्ट्रोवर्सी में आ चुका है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई गांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल की जाएगी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यू फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड रिमेंबर दैट देयर इज ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल फॉर यू ऑन स्टडी आईक्यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सबसे पहले तो खबर बता देता हूं मैं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स ने रोडचेंकोव एक्ट पास किया है। ऑल्दो एक्ट पास हो चुका है अपर हाउस में, सेनेट में, और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट की जरूरत है। जैसे ही प्रेसिडेंट इसको असेंट कर देंगे तो ये एक्ट कंप्लीटली एक्शनेबल हो जाएगा। ये रोडचेंकोव एक्ट एग्जैक्टली है क्या? इस एक्ट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स इनिशिएट कर सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स किसके खिलाफ, जो डोपिंग रिंग रन कर रहे हैं, जो कोचेस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो सप्लाई करते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स टू दी एथलीट्स। और आपको ये जरूर याद रखना है कि ये जो एक्ट है रोडचेंकोव एक्ट, ये एक्ट केवल यूएस ही नहीं, यूएस के लोगों के लिए नहीं, किसी के ऊपर भी अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि इवन अ नॉन रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हु इज इन्वॉल्व इन डोपिंग रिंग, दे कैन बी चार्ज्ड अंडर द रोडचेंकोव एक्ट। सबसे पहले तो जानते हैं इसका नाम रोडचेंकोव एक्ट क्यों है। अगर हम लोग देखें वाई द रशियन नेम, इस बिल का नाम जो भी एक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद, इसका नाम ग्रिगरी रोडचेंकोव के ऊपर है। ग्रिगरी रोडचेंकोव एक फॉर्मर रशियन डायरेक्टर हैं रशिया के एंटी डोपिंग लैब के। 2014 में वो मूव हो चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स, और उन्होंने विसिल ब्लो किया था और उन्होंने कहा था कि रशिया में सिस्टेमिक डोपिंग चलती है। सिस्टेमिक डोपिंग मतलब उनकी सरकार स्पॉन्सर्ड डोपिंग चलती है। उन्होंने कहा था कि रोडचेंकोव खुद ही वो एक ऐसे सिस्टम के भाग थे जहां पे वो रशियन एथलीट्स को ड्रग्स देते थे, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जहां पे वो एथलीट्स पकड़े नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में रैंडम ड्रग टेस्टिंग करती है, तो अगर एक एथलीट परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लेगा तो पकड़ा जा सकता है जल्द से जल्द। लेकिन रोडचेंकोव एक ऐसे सिस्टम के पार्ट थे जहां पे वो एथलीट्स को बचाते थे ड्रग्स लेने के बाद भी, कैसे, उनके यूरिन सैंपल्स को स्विच करके। ये बहुत से आपने मूवीज में देखा होगा, हाल ही में टीवी सीरीज में देखा होगा, जैसे सीरीज कॉल्ड इनसाइड एज, जहां पे इस तरह के एग्जांपल्स बताए गए हैं। इनफैक्ट रोडचेंकोव एंड कंपनी दे रैन समथिंग लाइक दिस। और रोडचेंकोव यूनाइटेड स्टेट्स जाने के बाद वहां पे उन्होंने एक टेस्टिमनी दी जहां पे उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा रशियन एथलीट्स हैं जो बेनिफिट कर चुके हैं डोपिंग से, जहां पे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स उनको दिए जाते हैं। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? कोई एक इंसान फेयरली कॉम्पीट कर रहा है, समझ लीजिए कि एक एथलीट है रनिंग रेस में जा रहे हैं, कि वो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ से रन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रशियन एथलीट्स ड्रग्स के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी और वो जीत जाएंगे, एक अदर डिजर्विंग कैंडिडेट वुड नॉट विन। तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद 2018 विंटर ओलंपिक्स जो साउथ कोरिया में था, वहां से रशिया को बैन किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA ने 4 साल का बैन लगाया रशिया के ऊपर, यानी कि 2022 के विंटर ओलंपिक्स में भी रशिया भाग नहीं ले पाएगा। 2020 का जो ओलंपिक्स था उसमें भी भाग नहीं ले पाएगा, जो भी 2021 में होगा। तो चलिए रोडचेंकोव एक्ट के बारे में एक डिस्कशन पे वापस आते हैं। रोडचेंकोव एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें यह समझना है कि रोडचेंकोव एक्ट एथलीट के खिलाफ नहीं है, याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल एथलीट के खिलाफ नहीं है। क्लियरली इसमें स्टेट किया गया है कि हम एथलीट को नहीं पकड़ रहे हैं, हम एथलीट को जो ड्रग सप्लाई करता है, एथलीट के साथ जो कोच है, फैसिलिटेटर है, जो ऐसा रिंग चलाते हैं, हम उनके खिलाफ एक ये मुहिम चलाइए। क्लियरली द एक्ट क्रिमिनलाइजेस मेजर इंटरनेशनल डोप फ्रॉड कॉन्स्पिरसीज। तो इस एक्ट के तहत जो फैसिलिटेट करता है ऐसे डोपिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, और जो बचाता है एथलीट्स को इन सब चीज़ों से, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो एथलीट्स है उनके लिए तो ऑलरेडी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उनका एक कोड है, उनकी एक लिस्ट है
बैंड ड्रग्स की, अगर आप उस अगर रैंडम टेस्ट में अगर आपकी बॉडी में वो ड्रग मिलेगा तो यू वुड बी बैंड फॉर लाइफ, यू वुड बी बैंड फॉर कपल ऑफ ईयर्स, फाइन लग सकता है एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये जो यूएस का एक्ट है इट इज अगेंस्ट दी फैसिलिटेटर्स, यानी कि जो एक सिंडिकेट चलाते हैं, एक रिंग चलाते हैं डोपिंग का, उनके खिलाफ है। तो ये एक्ट किन सारी चीजों पे अप्लाई करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि ये एक्ट अप्लाई करेगा सारे मेजर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व रहेगा और अन्य तीन या तीन से ज्यादा देश उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन चल रहा है जहां पे यूएस कंपनी एक स्पॉन्सर है, यूनाइटेड स्टेट्स एक स्पॉन्सर है, तो उसमें भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस एक्ट के तहत अगर कोई पकड़ा जाएगा, कोई गिल्टी होगा फैसिलिटेटर, जैसे कि कोच हो गया, प्लेयर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए एटसेट्रा, जो ड्रग्स ला के दे रहे हैं, जो एक रिंग चला रहे हैं, अगर वो लोग गिल्टी माने जाएंगे तो उनको 10 साल तक की सज़ा मिलेगी और $250,000 का एक फाइन लग सकता है। अगर एक पूरा सिंडिकेट रन कर रहे हैं, अगर एक ग्रुप रन कर रहा है, अगर एक कंपनी इस चीज़ को रन कर रही है, तो उनके ऊपर 1 मिलियन तक का फाइन लग सकता है। साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट में यूएस के ही नहीं, अगर एक यूएस में सिंडिकेट चल रहा है वो तो होंगे ही होंगे, पकड़े ही जाएंगे, कोई और भी अगर सिंडिकेट रन कर रहा है इन अ मेजर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, उनको भी पकड़ा जाएगा। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई भारतीय है क्या वो भी चार्ज होंगे? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं क्रिकेट का उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन इन इंडिया। तो हमारे कोच हैं रवि शास्त्री, तो इमेजिन कीजिएगा रवि शास्त्री इज अ पार्ट ऑफ दिस सिंडिकेट एंड ही इज गिविंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स टू हिज प्लेयर। समझ लीजिए किसी बॉलर को दिया कि आप बहुत तेज गेंदबाजी कीजिए और ये ड्रग लीजिए, और इमेजिन कीजिए कि यूएस भी एक कॉम्पिटिशन में आया है और इंडिया ने यूएस को हरा दिया, जहां पे यूएस अगर जीत जाता तो मेडल उनको मिल जाता लेकिन अभी भारत को मिला है, तो यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एथलीट्स और उनके क्रिकेटर जो है उनको अभी मेडल नहीं मिल रहा है, दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्राइज। तो अगर इन्वेस्टिगेशन होगा और रवि शास्त्री के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और पकड़े जाएंगे तो ही कैन बी चार्ज्ड। तब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा अगर चार्ज तो कर दिया कि उनको अरेस्ट करेंगे, लेकिन उनकी अरेस्ट और ट्रायल डिपेंड्स ऑन मेनी अदर थिंग्स। फिर से मैंने एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है क्रिकेट का और रवि शास्त्री जो हमारे कोच है उनका। तो अरेस्ट और ट्रायल डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उदाहरण दिया रवि शास्त्री का, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि रवि शास्त्री इज गिल्टी और उनको ट्रायल किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में बिकॉज ही विल बी चार्ज अंडर द यूएस एंटी डोपिंग एक्ट, रॉडचेंकोव एक्ट। लेकिन उनको अरेस्ट कैसे करेंगे? अगर वो भारत में है तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर रवि शास्त्री यूएस जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। अगर रवि शास्त्री किसी ऐसी कंट्री में जाएंगे जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स और उस कंट्री का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, वहां पे अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो उनको यूएस ले जाएंगे और यूएस में ट्राई करेंगे और वहां पे पनिशमेंट मिल सकती है। तो आई होप कि इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अगर कोई कोच है, अगर कोई मैनेजर है, कोई सिंडिकेट रन कर रहे हैं तो इंडियन भी हो उनके ऊपर भी चार्ज लग सकता है और उनको भी सजा हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रोवाइडेड एक्सट्रेडिशन हो जाए, प्रोवाइडेड उनको अरेस्ट करके यूनाइटेड स्टेट्स भेजा जाए। तो चलिए डिस्कशन पे वापस चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर इतना वाद विवाद क्यों छिड़ चुका है? सबसे पहले आपको एक आयरनी अलर्ट देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स के सिंडिकेट के ऊपर तो ये अप्लाई करता है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के एथलीट के ऊपर रोडचेंकोव एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्दो पहले ड्राफ्ट में एप्लीकेबल था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के एथलीट्स हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स और कॉलेज के एथलीट्स हैं, वो लोग अपने खुद के बार्गेनिंग के बाद, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद कुछ डिफरेंट लॉस के अंडर आते हैं और वो लॉ उनको गवर्न करेंगे, ना कि रोडचेंकोव एक्ट। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ? क्योंकि जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन है, उनका खुद का कोड है, उनके खुद के प्रोहिबिटेड ड्रग्स है और उनकी खुद की सजा देने की प्रक्रिया भी है, और अभी यूनाइटेड स्टेट्स भी घुस गया है इसमें। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने क्लियरली कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो लॉ है वो ओवरलैप करेगा हमारे एंटी डोपिंग रूल्स के साथ, और वो चाहते हैं कि विश्व में एक ही स्टैंडर्ड एंटी डोपिंग रूल्स रहें। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑलरेडी वैडा कोड है, वैडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का कोड है, जिसके तहत हम सजा भी देते हैं, लाइफ बैन भी होता है। आपको याद होगा कुछ क्रिकेटर्स पाकिस्तान से थे जिनके ऊपर लाइफ बैन भी लगा था, तो ऐसे एग्जांपल कि लाइफ बैन इज अप्लीकेबल अंडर दी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कोड।
तो वो कहते हैं कि ऐसा वाला दूसरा एक्ट क्यों चाहिए। वो फर्दर कहते हैं कि अगर कोई विसिल ब्लोअर है, जैसे कि अभी रोडचेंकोव है, तो वैसे ही अगर कोई विसिल ब्लोअर है किसी और कंट्री से, तो क्या वो विसिल ब्लो करेंगे? मतलब अगर उनको पता है ऐसे सिंडिकेट के बारे में, ऐसे रिंग के बारे में जिसके वो भाग रह चुके हैं, तो क्या वो उसके बारे में खबर बताएंगे अभी? ऑल्दो वैडा कोड के अंडर अगर आप विसिल ब्लोअर हो तो आपके ऊपर एक डील करा के ऐसा चीज हो सकती है, एक्शन वुड नॉट बी टेकन ऑन यू। लेकिन रोडचेंकोव एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो विसिल ब्लोअर रहेगा उनको डर लग गया कि अगर मैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के कोड के तहत अगर बच भी जाऊं तो रोडचेंकोव एक्ट में मैं फंस सकता हूं। साथ ही साथ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया है कि क्यों ये दोगुलापन चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, क्यों उनके खुद के प्रोफेशनल एथलीट्स और कॉलेज एथलीट्स इस एक्ट के अंडर नहीं आ रहे हैं, जबकि सारे इंटरनेशनल लेवल पे सिंडिकेट्स को ला रहे हैं, मैनेजर्स कोचेस को सबको ले आए, लेकिन उनके खुद के प्रोफेशनल एथलीट्स कोचेस क्यों नहीं आ रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर? इन चीजों पे सवाल उठाया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो आने वाला समय बताएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स इन रिजर्वेशंस को आंसर करेगा या नहीं, या फिर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म निकाले जिसके तहत ये जो रिजर्वेशन है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू विसिल ब्लोवर्स, उनके खुद के प्लेयर, एक यूनिफॉर्म कोड, इन सब के ऊपर जो रिजर्वेशन है उसको कोऑपरेटिव मेथड से रिजॉल्व करें। तो चलिए डिस्कशन एंड करते हैं इंडिया की सिचुएशन के ऊपर। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट्सअप इंडिया, मतलब इंडिया में क्या सिचुएशन है विद रिस्पेक्ट टू एंटी डोपिंग। इंडिया में नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2018 आया था जिसने क्रिमिनलाइज किया था, 4 साल की सजा और 10 लाख रुपए का फाइन था अगर कोई ड्रग्स यूज करता है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज करता है, कोई रैकेट में है एटसेट्रा, इन सब चीजों के लिए। लेकिन इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्लेयर है, स्पेशली प्लेयर जो गिल्टी पार्टी है, उनको सैंक्शन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू WADA कोड, ताकि एक यूनिफॉर्म रूल हो जाए, और उनको क्रिमिनल सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको लाइफ बैन एटसेट्रा जो भी WADA डिसाइड करे वो मिलनी चाहिए। तो इंडिया ने भी इसको डीक्रिमिनलाइज किया है, एथलीट्स अगर डोप करेंगे तो उनके ऊपर रिस्पेक्टिव WADA की तरफ से फाइन लग सकता है, लाइफ बैन लग सकता है, लिमिटेड बैन लग सकता है, पेनाल्टीज अकॉर्डिंग टू WADA कोड लगता है। और आपको याद रखना यह है कि वैडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वो हमेशा से ही अपोज्ड है स्पेशली एथलीट्स के बारे में, जो एथलीट परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लेते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो उनके खुद के कोड की तरफ से स्पोर्ट्स रिलेटेड सजा जरूर मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइफ बैन। तो ये है स्थिति एंटी डोपिंग की इंडिया में, और हमारा डिस्कशन था जो रोडचेंकोव एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के में। आशा करता हूं ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।